ऑनेस्टली क्या है कि अभी ये मेरी तीसरी फिल्म है तो नर्वस तो अभी फिलहाल तो हूँ नहीं, क्योंकि ये एक्चुअली तीसरा दिन है प्रमोशंस का, तो वी आर क्वाइट अर्ली ऑन इन द प्रोसेस. बट मुझे प्रमोशन करने में बड़ा मज़ा आता है. आप सबसे मिलने का मौका मिलता है, सबसे बात करने का मौका मिलता है, यू नो इट्स गुड फन. तो आई एम नॉट नर्वस. इस बार मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ कि हमने जो बनाया है वो लोगों को पसंद आएगा. सो लेट्स सी 29 अप्रैल को क्या होता है. क्योंकि कोई भी इसका टाइटल सुनता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं. वन नाइट स्टैंड यार, कैसी फिल्म होने वाली है? आई थिंक कि मेरे ख्याल में प्रोड्यूसर्स ने बहुत सही फैसला लिया कि उन्होंने ऐसा आई बॉल ग्रैबिंग टाइटल दिया है वन नाइट स्टैंड. बिकॉज पहले बात तो वन नाइट स्टैंड, उसके बाद सनी लियोनी हमारी फिल्म में है, तो अभी ये दोनों फैक्टर्स को अगर आप जोड़ दोगे तो आई थिंक इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ क्यूरियोसिटी. तो होपफुली लोगों को पसंद आएगा. क्योंकि तनुज, आपके बारे में लोग लड़कियां स्पेशली लड़कियां जानना चाहती हैं कि आपका वन नाइट स्टैंड हुआ है कि नहीं. देखो मैंने आई थिंक 3-4 दिन पहले मैंने कुछ कह दिया था कि जब मैं कॉलेज में था तो हाँ दो तीन बार हुए हैं ऐसे. तो हाँ, इट्स नॉट लाइक आई एम अगेंस्ट इट, बट एट द सेम टाइम आपको किसी को हर्ट नहीं करना. तो वो एक्सपीरियंस यहाँ कहाँ है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिकॉज वो रियल लाइफ है, ये रियल लाइफ है, तो इट्स अ डिफरेंट थिंग. ओके, थैंक यू सो मच. थैंक यू.